देखिए देश में जो हालात हो रहे हैं दिनों दिन बहुत विकराल होते जा रहे हैं, बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। हमें इस इंसानी नस्ल को बचाना है, इस सबके जीवन को बचाना है, तो आपसे निवेदन है इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। डेली हम लोग सुन रहे हैं, रिश्तेदारों के बारे में सुन रहे हैं, रिलेटिव्स फ्रेंड्स के बारे में सुन रहे हैं, और अपने एरिए में एम्बुलेंस घूमती रहती है, डेड बॉडी देखते हैं हम लोग, अस्पताल में जगह नहीं है, हालत बहुत ख़राब है। सरकार भी आपसे बहुत निवेदन करती है, पुलिस भी निवेदन करती है, प्लीज़ सबका आप मदद करें, सबकी बात को सुने माने, अभी इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। समझाने का बात बहुत टाइम से चालू है, बहुत आपको समझाया गया, लेकिन अब आप उसको एकदम पक्का कर लो, नक्की कर लो। प्लीज़ अपना भी ध्यान रखो और अपने परिवार का भी ध्यान रखो, अभी इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। सरकार जो कर सकती है सरकार करती है, डॉक्टर्स जो कर सकते हैं डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज है, हमें भी सहयोग करना पड़ेगा। प्लीज़ मास्क ज़रूर पहने अगर घर से बाहर निकले, और घर से बाहर बहुत ज़रूरी हो तो ही निकले। कुछ दिन के लिए थोड़ा कष्ट सहले, थोड़ा सा तकलीफ होएगा, मेरे को मालूम है आप भी इस बात को समझते हैं, लेकिन इसके सिवा अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्लीज़ जो डॉक्टर्स कह रहे हैं सबका माने, सबका सुने, इसी में भलाई भी है, इसी में इंसानियत बचने वाली है। सर कई लोग ऐसे मास्क तो पहनते हैं लेकिन नाक के नीचे या टोड़िए पहनते हैं, क्या कहते हैं? हाँ भाई साहब, बहुत सारे लोग अभी स्टाइल में मास्क पहन रहे हैं, या तो नीचे पहनते हैं या सिर्फ लटका के घूमते हैं, वो अच्छा नहीं है। तो पुलिस भी उन पर नज़र रखे हुए है, लेकिन आप ऐसा काम ही मत करो कि पुलिस को आपके नज़दीक आना पड़े, आपको दंड भरना पड़े, आपको जुर्माना देना पड़े। तो प्लीज़ प्रॉपर पहनिए तो ही भलाई है। निश्चित और है कि आज चार्ली जी का बर्थडे भी है और चार्ली जी साथ में खड़े भी हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत खुशी की बात है कि चार्ली हमारे साथ है, और ये भी उनके फ़ैन हैं, हम सब उनके फ़ैन हैं, हम सब कॉमेडियन लोग के बाप है चार्ली चैपलिन साहब। तो हम लोग तो बस हंसी खुशी बांटने वाले लोग हैं, तो हंसी खुशी का सबसे बड़ा सिंबल चार्ली साहब है। तो आज के दिन हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग ये सब मास्क यूज़ करें, ये सब का ध्यान रखें, तो ही हमारी ज़िंदगी चल सकती, तो ही हम हंस सकते हैं। सर अनिल मुरारका सर, आपने जिस तरीके से जन जागरूकता के लिए आज 55 फीट लंबा मास्क इंट्रोड्यूस किया है, ये मुंबई के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मैसेज है कि आप आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आत्मनिर्भर से मेरा मतलब है, चार्ली चैपलिन 2 का मतलब है कि आप अगर खुद का ख्याल रखेंगे, अगर खुद को बचाएंगे, तो यकीन जानिए और लोग खुद ब खुद बच जाएंगे। तो मुरारका सर ने इस आइडिया को इस लॉकडाउन में एक्सप्लोर किया है, हम लोगों के सामने लाया है। आज गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन मिस्टर मुरारका का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कम से कम अब तो जाग जाइए आप लोग। देखिए यही मौका है, आज चार्ली चैपलिन जी का 132वां जन्मदिन है, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, सब लोग घर में पैक हैं, लेकिन ये जो वॉरियर्स दिख रहे हैं आपको, चाहे राजू श्रीवास्तव साहब हों, चाहे अनिल साहब हों, चाहे हमारे राजनेता साहब हैं, तो तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस पेंडेमिक में आप लोग बाहर आकर लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम कर रहे हैं। 55 फीट लंबा ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें तमाम जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो मैं तमाम देशवासियों को चार्ली चैपलिन के बर्थडे पर ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। जो प्यार आपने चार्ली चैपलिन 2 यानी कि एक्टर राजन कुमार को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम टीम का धन्यवाद करूंगा मैं और अनिल साहब का खास तौर से। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनिल सर कल्पना थॉट राजन जी का था, इन्होंने एक आइडिया दी कि एक ऐसा कुछ मास्क बड़ा बनाएं जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करे। आइडिया फिर मेरे दिमाग में कुछ और आया कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमें जागरूकता फैलानी ज़रूरी है। इसलिए आप जो यहाँ पे जो इमेजेस देख रहे हैं थ्रू आउट, इसमें जैसे उन्होंने कहा नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, बीएमसी वर्कर्स हैं। आज बीएमसी ने जो काम किया है अद्भुत, शब्दों की कमी है उनकी जितनी तारीफ की जाए, जितने उनमें से वॉरियर्स आज अपने को छोड़ के निकल गए हैं हम लोगों को बचाने के लिए। मैं चाहता हूँ कम से कम अब अपने देशवासी जागें
और उनको नमन करते हुए इस चीज़ का प्रण करें, गांठ बांध लें कि घर के बाहर अगर दहलीज भी लांगनी है तो मास्क पहन कर निकालनी है। ये शोबाजी का टाइम गया, जो आज फिल्मी काम हो रहा है। मैं बोलता हूँ आप आइडल मानते हो फिल्म स्टार्स को, उनको भी देख लो, वो भी आज मास्क के बिना किसी से बाइट भी नहीं दे रहे आप लोगों को। तो लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी। राजू भैया ने भी कहा वो जो स्टाइल मारनी है, नाक के नीचे मास्क रखना है, इट्स लाइक मैं खैर एक अजीब सी बात है राजू भैया, क्या आप नीकर पूरी पहनते हैं? तो वैसे ही मास्क पूरा पहनना है। करेक्ट। नीकर आप आधी पहने लोगों को कितनी तकलीफ होती है। ये जागरूकता ज़रूरी है, लोगों को उल्टी भाषा ही समझ में आती है। तो इट्स हाई टाइम वी ऑल कम टुगेदर एंड डू समथिंग बेटर फॉर द नेशन। क्या चलाया? ब्रेक द चेन। डेफिनेटली जैसे उद्धव जी ने कहा है, ये चेन तोड़नी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अगर घरों के अंदर नहीं रहेंगे ये चेन नहीं टूटेगी। लेट अस रियली स्टैंड विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंश्योर वी गिव द जनरेशन नेक्स्ट अ बेटर टुमारो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी राइट सर। सर यहाँ रखने का फर्क क्या था कि हम भी यहाँ रखें? यही भाषा समझ में आती है। मैंने जैसे पहले भी कहा है, जिक्र किया है, मैं आवाम को एक तरीके से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं ये मानता हूँ हमारी आवाम या हम सब दो ही भाषा समझते हैं, एक बॉलीवुड की भाषा, दूसरा ऊपर वाले का खौफ। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये एक हिंदू स्मशान भूमि है जो इत्तेफाकन हमारे ट्रस्ट ने कंप्लीट की है। इसको यहाँ दर्शाने का बेसिक थॉट ये था, लोगों को ये समझ में आए कि अगर ये नहीं पहनोगे तो यहीं आना है वापस। आप प्लीज़ जाग जाओ, आपको ज़रूरत है रहना ज़िंदगी में, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। 55 फीट। कैसे? मैंने कहा थॉट बिल्कुल राजन जी का था, उस पर ये कोविड वॉरियर्स को डालना एक अपने दिमाग में थॉट था कि भाई आज इनकी वजह से हम बचे हुए हैं। लेट्स एक्नॉलेज एंड डू समथिंग पॉजिटिव फॉर द नेशन। सबसे पहले तो ये पोस्टर नहीं, मास्क है दोस्तों, और ये मास्क जो है अनिल सर का क्रिएशन है। इनकी अथक मेहनत है कि कम समय में चार्ली चैपलिन के बर्थडे पर इस तरीके से लोगों को जागरूक करना। सर हेड्स ऑफ टू यू, वी लव यू सर, थैंक्स अ लॉट। जो दो पॉइंट शायद ये लोगों ने कवर नहीं किए वो मैं आपके सामने रखूंगा। आज के कार्यक्रम में चार्ली चैपलिन को इसके लिए बुलाया है, तो चार्ली चैपलिन ये कमिटमेंट का सबसे बड़ा रूप है। बहुत बड़ी कठिनाइयों में, दुखों में भी अपने पूरे जीवन में लोगों को हंसाने का काम किया, एक कमिटमेंट टूवर्ड्स लाफ्टर जिसको कहते हैं, वो उसका प्रतीक यानी चार्ली चैपलिन है। तो वही कमिटमेंट हम हमारे मास्क के साथ करें, ये उसके पीछे की बात है, और मुझे लगता है यही बात हमने समझना चाहिए। एंड आवर कमिटमेंट लाइक शुड इट शुड बी लाइक ए हार्ट, जैसे हमारे हार्ट ने कहा है कि मैं तुम्हें जिंदा रखूँगा। कभी हार्ट ने ये नहीं कहा कि आज थोड़ा मूड नहीं है, थोड़ा ज़रा आराम से करते हैं, आज ज़रा मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, बाद में करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये कहने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो जो कमिटमेंट हार्ट करता है वही कमिटमेंट हमें मास्क के साथ करनी है। जब भी जाना है आपको मास्क के साथ ही जाना है, ये अनिल भैया को कहना है। मैं आपको एक बात कहूँगा, ये पूरी जो शमशान भूमि यहाँ पर दिखती है, इसके लिए बहुत मेहनत अनिल और अनिल जी के ट्रस्ट ने ली है। हालांकि इसको इस मुकाम तक लाने का काम इन्होंने किया, लेकिन वो मन से ये चाहते हैं, भले ही मैंने लोगों की सुविधा के लिए बनाई, लेकिन यहाँ पर कोई आए नहीं, इसीलिए आज ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग इसके साथ जुड़ जाएं, आओ सब हम मिलकर इस मुंबई को, देश को कोरोना फ्री बनाएं। अरे सर, कई ऐसे लोग भी जो मास्क तो पहन लेते हैं लेकिन घर तक इतना सैनिटाइज ना, हाथ धोना सीधा चले के अपनी फैमिली के पास। मैं बोल रहा हूँ सैनिटाइज घर जाके ही नहीं, सैनिटाइज आपको लगातार निरंतर करते रहना है। इट्स नॉट अ वन टाइम जॉब। हम अगर चाहते हैं कि हमारा, जैसे आप मोहिन देखिए, आप महाराष्ट्र सरकार ने कर रखा है, मेरा परिवार मेरी अपनी जवाबदारी, वही थॉट है, इसको हमको आगे लेके बढ़ना है और ये इंश्योर करना है कि अगर हम अपने आप को तरीके से संभालेंगे तो ये हमारा परिवार संभलेगा। सैनिटाइजर से आप एक मजाक नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
आप सैनिटाइज नहीं करें, कम से कम साबुन से हाथ धोइए, बराबर धोइए, क्योंकि ये जो जो लोग बोल रहे विद इन द एयर, मैं नहीं मानता सिंधी एयर, विद सिंधी एयर तो आज शायद पूरा वतन बोलिए, पूरा जहां बोलिए, इससे अब तक कोविड से इस पैरालाइज हो चुका होता. इट इज़ बेसिकली जो इन्फेक्शन फैल रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ड्रॉपलेट्स जो आज हमारे मुंह से या नाक से निकलती है. इसीलिए मास्क ज़रूरी है. लेट्स इंश्योर कि मास्क लगाते रहें और देश को इस चीज़ से फ्री करें. सर नमन इनको, जैसे शिलार साहब ने कहा, लाफ्टर इज समथिंग एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी. और ये दो फनकार आपके सामने खड़े हैं, इनको देश नमन करता है. मैं तो चीज़ ही क्या हूँ, बट यस राजू भैया, राजन जी, हैट्स ऑफ यू गाइस कि इस जगह पे भी खड़े होके देखिए इनके चेहरे पे मुस्कुराहट ही है. इट्स समथिंग अनबिलीवेबल एंड ऑल credits to him, regards to them. Due to Anil Murarkar, yes. Sir, without you it was not possible, sir. Thanks to Anil. Yes. You are the real actor, real human being, and we love you, sir. Mumbai safe rahega kyunki aap jaise log hain yahan. Aane wale samay mein is tarah ke jitne bhi programs aapke honge awareness ko lekar, sir, hum log aapke saath khade hain. Aur Raju sir ka to main bahut bada fan hu. Aaj unko yahan paakar ye surprise tha, ye Anil sir ne nahi bataya tha. Main aapko apna guru manta hu. Main Charlie Chaplin duite ho sakta hu, lekin aapki comedy aur punching. Hum sabke guru Charlie Chaplin. Yes. He is also real Charlie. Yes. Thank you so much. Aur mask nahi pehna, barabar dhyan nahi diya, sanitize nahi kiya, to आप अपना भी नुकसान करेंगे, देश का भी नुकसान करेंगे. अगर मैं कड़े शब्दों में कहूं तो इंसानियत खत्म हो जाएगी. प्लीज़ सरकार का, डॉक्टर्स का, सबका सहयोग करें, ये आपसे विनती है. धन्यवाद. मास्क ज़रूर लगाना. दोस्तों ये स्लोगन डॉक्टर साहब की एक बहुत अच्छी सोच है. अनिल मुरारका सर को मैं बधाई देता हूँ कि आज 55 फीट लंबा एंटी कोरोना मास्क बनाकर इन्होंने जो एक पैगाम देने की कोशिश की है, लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की है, अब आपको जाग जाना चाहिए और कोरोना हारेगा, हमारा मुंबई महाराष्ट्र जीतेगा. जय हिंद. मास्क पहनो, ठीक से बच के रहो कोविड से. ये एक मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है. राजू भैया ने जितने शिद्दत से कहा वो बिल्कुल आप अमल करें. आपका अपना नुकसान है, परिवार का नुकसान है, देश का नुकसान तो है ही, लेकिन आपके परिवार का नुकसान ज़्यादा है. अगर आप साथ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आप अपने परिवार का ध्यान अच्छी तरह से रख सकेंगे. बचना है तो मास्क पहनना है. मास्क सिर्फ पहनना नहीं है, मास्क पूरा पहनना है और दूसरे ने भी पहना है ये इंश्योर करना है. यही कोरोना की जीत है. सामने वालों को भी पहनना है. सबसे कम, द लीस्ट यू कैन डू, द लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कैन हैव इज टू वेयर अ मास्क. तो सबसे पहला टास्क कि तुम आप सभी पहने अपना मास्क. थैंक यू सर.